चोर समझकर मजदूर की हत्या के मामले में पकड़ा 6 आरोपी। ग्राम ढकल गांव में सेल्दा पर चल रहे रेलवे ट्रैक निर्माण के गेट नंबर 50 पर पिछले माह 29 दिसंबर को रात 11:30 बजे वहां मजदूरों को चोर समझकर सनावद निवासी हेमेंद्र राठौर तथा उसके साथी अजय अंजान, शाहरुख एवं सनवर को चोर समझकर RTS तथा TNT कंपनी के कर्मचारियों ने चोरी के संदेह में पकड़ लिया था एवं उनके साथ रात भर मारपीट भी की। सुबह इलाज के दौरान सभी घायलों को अस्पताल के लिए ले जाया गया। वहां हेमेंद्र राठौर की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी थी, जिसमें घायल मजदूरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी निसार इरफान दो अन्य के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान साक्षियों से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि निसार इरफान सलीम शोएब दीपक कौशिक नाथ के द्वारा हेमेंद्र और उसके साथियों को लोहा चोरी के संदेह में गाड़ी सहित पकड़ा गया था तथा रात भर मारपीट भी की गई थी, जिसके कारण हेमेंद्र की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर साक्षियों के कथन अनुसार लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि सभी आरोपी बंबई जाने के लिए आरोपी खंडवा रोड पर टोल टैक्स के पास पहुंचने वाले हैं। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बल के साथ मुताबिक के बताए हुए स्थान पर पहुंचे, जहां काफी इंतजार करने के बाद एक ट्रक से 6 लोग उतरे जिनके पास कोई सामान नहीं था। मुखबिर के सारे अनुसार बताए उपरोक्त आरोपी ही थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर अभिरक्षा में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम निसार पिता अयूब खान जिला अलवर, इरफान अतिक मोहम्मद भीलवाड़ा, कौशिक नाथ तमिलनाडु तथा दीपक पुरुचिलियन तमिलनाडु तथा दीपक कैलाश प्रजापति खरगोन, तलेम पिता नवाब खान अलवर होना बताया जा रहा है। आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है। दो आरोपी निसार और इरफान एवं अन्य दो के नाम थे, लेकिन जब लगातार पूछताछ हमने उसमें कुछ कई गवाहों से की, लगभग 6-7 लोगों से पूछताछ कर उनके कथन लिए, तो उसमें स्पष्ट हुआ कि उसमें इरफान, निसार, शोएब और सलीम और दीपक और कौशिक नाम, ये कुल 6 लोग थे, जिसमें दीपक ने बेल्ट से मारा था और इन्होंने लाठी डंडों से और पाइप से मारा था। तो इन 6 लोगों को चिन्हित किया गया था और इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। तो अभी कल ही ऐसी खबर लगी कि ये लोग टोल नाके से कहीं बम्बई तरफ भागने वाले, तो वहाँ दबिश देके इन लोगों को पकड़ा और पूछताछ की, तो उन्होंने कबूल भी किया और उनसे डंडा, पाइप, बेल्ट भी जब्त कर ली और वो गाड़ी भी जब्त कर ली है, कैंपर जिसमें ये लोग उसको मृतक हेमेंद्र को बिठाल कर ले गए और उनको हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं, जुडिशल रिमांड पीआर भी मांग रहे हैं कि कुछ पूछताछ दिया, अन्य और भी आरोपी इसमें संलग्न हो तो उनसे पूछताछ किया जा सके।